हमने बॉन्डिंग नहीं की तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ बॉन्डिंग की जाए, थोड़ा सा बॉन्डिंग टाइम। That sounded wrong. बटन से इतना नहीं बांध किए, ये हाल है। क्या लड़कियों के बाल मिल रहे हैं तुम्हारी? ये लड़कियों के बाल नहीं है, ये हमारी बिल्ली के बाल हैं। इस पैंट के अंदर से लड़कियों के बाल निकल रहे हैं तो क्या कर रही थी? Exactly. गोद में सही होगी। कुछ दिनों से इरेज कह रही है कि एक बिल्ली लेनी है। पहले एक काले रंग का बिल्ला इसने ढूंढा था और बिल्ले जो है वो थोड़े वायलेंट होते हैं, तो मैं नहीं चाह रहा था कि बिल्ला हो। बानों के ही रंग में एक लड़की ढूंढी है, बिल्ली, उसको हम लेने जा रहे हैं आज़ाद फिल्म से। अभी तक हमने सोचा नहीं इसका नाम क्या रखें। पहली का नाम तो बानो है, इसका नाम रानो रख, नहीं रानो समो की है। सोचना पड़ेगा, राइम करें तो अच्छा होता है, ट्विंस लगेंगी ना, अच्छा लगेगा। बानो रानो आ जाओ, रानो नहीं कह सकते। हेलो, जितनी बानो झूठ से डरी थी वो वाला तो सीन नहीं है, झूठ से इतना नहीं डरी। लेकिन हम बानो को मिलाने लगे पहली दफा उसकी बहन से। हेलो, इधर देखो। ओ तेरी आंख को क्या हुआ इसकी? अच्छा अच्छा अच्छा, सोफे के पीछे क्या है? सोफे के पीछे बानो, बानो। देखो घर तो पहले से बानो की जागीर है और इस पे ये आखिरकार की कितनी शेयरिंग स्केयरिंग करना चाहेगी। बच्ची है बानो, जाने दे, चल चल खाना भी खाने दे। हाँ, शेयरिंग इज केयरिंग बानो। जिस दिन ईवा आई है उसी दिन बानो घर से भाग गई। उसने कहा कि अब मेरी ज़रूरत नहीं है, इस घर में एक और बिल्ली आ गई है, तो वो उठ के निकल गई। लास्ट जो ये भागी थी उसकी फुटेज चेक करें, एहसान लेके आया था। भाग गई थी बड़वी, सब बहुत छोटी थी, अब ये देखें प्रिंसेस बन चुकी है। व्हाट पॉइस, वाओ वाओ बानो वाओ। अच्छा थोड़ी ओपन हो जाओ बानो, ख़ानदान के साथ खाना भी शेयर होता है और गुसल खाना भी, ये तो घर घर की बात है, लड़ाइयाँ नहीं होंगी इस घर में, समझ रही हो? करने दो। और तू उल्लू की पट्टी, तुझे शर्म नहीं आती? शर्म आई तुम्हें कोई? उसके पेशाब पे नहीं पेशाब करना और उसका खाना नहीं खाना। Just because you're cuter does not mean you get बूजी बू special treatment, okay? समझ आ गई इसे। जूड आजा, जूड sit, good, any answer? Good dog, sit जूड, वो देखो पट्टी। Shame on you, shame on you. I am your father. Biologically तो नहीं, ये बेसिकली हमारे प्रॉक्सी बच्चे हैं, ये प्रेपरेशन है असल बच्चों की। बीवी को नहीं बताना, वो समझती है असल बच्चे हैं। ये मेरे पास मैग्नेटिक पट्टी है, ये पट्टी है ना, अली एक्सप्रेस से ऑर्डर की थी। कुछ तो लोग कहेंगे, I don't know, हमारी शादी को इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है कि उसको न्यूज़पेपर में डाला जाए। ये तस्वीर अच्छी थी। अच्छा, क्योंकि ये वीडियो इतनी पॉपुलर रही है तो हर किस्म के लोग, नए किस्म के लोग, आप लोगों के अलावा जो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं हैं उनने भी ये वीडियो देखी है और उनकी मुख्तलिफ किस्म की राय है। वो मुझे जानते नहीं ना जिस तरह आप मुझे जानते हैं। ये एक और पोस्ट है जो शादी की फ़िल्म से भी ज़्यादा वायरल थी और मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने मेरे बारे में अपनी राय इस पोस्ट से ही बना ली है। हमारे मर्दों के अंदर असल में एक मसला है और मेरे ख्याल से ये मीम जो है ना वो इसको सही डिस्क्राइब कर देती है। मुझे जो पॉजिटिव एस्पेक्ट नज़र आता है कि किसी ने अगर कोई बुरी चीज़ कही है आपकी भाभी के बारे में तो आप लोगों ने आके उसको फुल फ्लैज अटैक किया है और मेरे ख्याल से जिस इंसान के दिमाग में नस्ल पसंदी बैठी हुई है या स्किन कलर की कोई बायस बैठा हुआ है तो आपने उसको मजबूर कर दिया है कि वो अपने ख्यालात को फिर से गौर करके सोचे और अपने आप की इसलाह करे। तो आई फील लाइक आई हैव डन माय जॉब और मेरे लिए तो यही था कि मैं ऑनेस्टली डिपिक्ट कर सकूं कि हमारा रिश्ता है कैसा। अच्छा, मुझे पिछले अपने व्लॉग्स में कुछ थोड़ा महसूस हो रहा था अपार्ट फ्रॉम शादी वाली फिल्म कि मैं बॉन्डिंग टाइम आप लोगों के साथ थोड़ा कम कर रहा हूं। तो मैंने कहा ज़रा थोड़ी सी काउंटर स्ट्राइक का मूड करता है, उसके बाद थोड़ी और बॉन्डिंग करते, थोड़ी काउंटर स्ट्राइक खेल लूँ पहले। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, कभी शर्म नहीं आई तुझे? हैं, शर्म कर लड़के,
आप उसे खेलों में तो कहां पते हाथ तेरे पैंट क्यों गिले, तेरी चांस नहीं मिला तुझे स्कोर का हिसाब है। और मुरू तेरा बाप है। बाप हूं मैं तेरा बाप, बाप रे बाप। अबू शेम ऑन यू, व्हाई यू चीटिंग, व्हाई यू यूजिंग एम बॉट्स। कई दफा मेरा मूड जब होता है ना तो मैं दरवाजा बंद करके लॉक करके ना अकेले से चुपके से कमरे में नाचता हूं। और बॉन्डिंग टाइम में म्यूजिक सुनना भी जरूरी है, तो मिलके नाचते हैं बोरिच बॉय के इस नए गाने पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए मैंने। Oh,